press the bell icon and never miss any updates from Delhi Reporter. सरप्राइज किसे नहीं पसंद है, इसीलिए हम आज एक सरप्राइज लेकर आए हैं। लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान है, चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ चांदनी शर्मा और डेली रिपोर्टर हमारे सेट पर आए हैं, हाफ मैरिज के सेट पे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक केक है। सो बहुत ही ऑब्वियस है कि नाम लिखा है तरुण। सो मेरे जो प्यारे प्यारे को एक्टर है तरुण महिलानी, उनका बर्थडे आ रहा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें टेली रिपोर्टर के साथ हम उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दे केक वेक लेकर। तो चले मैं आपको उनके रूम तक ले जाती हूँ, आप हमारा मीनवाइल सेट भी देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि मुझे पता है वो अपने रूम में है, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ अपने बालों के साथ या स्क्रिप्ट के साथ कुछ कर रहा होगा। सो तरुण का एक सीक्रेट है, उसे वो बहुत ज़्यादा जिमिंग में है और वो बेचारा बहुत ज़्यादा डाइट भी फॉलो करता है। एक्चुअली इसकी ईटिंग टाइमिंग्स भी बहुत अलग है, तो और उसे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई एम श्योर कि आज एक्चुअली मैं उसको ये पूरा केक खिलाने वाली हूँ, बिकॉज वो ना बहुत ज़्यादा डाइट करता है, मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करती। सो होल्ड ऑन, वी आर आउटसाइड तरुण्स रूम एंड ही हैज़ नो आइडिया। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तरुण। हाँ जी, तो तरुण बताइए कैसा लग रहा है, आज आपका बर्थडे है, आप शूट कर रहे हैं और कैसा है माहौल यहाँ का, कैसा फील कर रहे हैं? लाइक व्हाट्स योर एज बाय द वे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, काम करके अच्छा लगता है और ये केक से मैं बड़ा टेम्प्ट हो रहा हूँ। मैंने वही बोला, यू लव चॉकलेट्स, तरुण को चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। हर तरीके के चॉकलेट नहीं पसंद है, बट या ये बहुत ही ग्लॉसी वाला चॉकलेट है, ऊपर से पिंक तरुण एंड पिंक, नो माय गॉड, सॉरी दैट्स माय फॉल्ट, बट या But thank you so much यार, तू ये surprise लाई, I'm really excited, I have no words। मैं ना ऐसे वो आश्चर्यचकित हो गया हूँ अभी at the moment कि मैं क्या बोलूँ। I know, जब surprise मिलता है तो इंसान को समझ में नहीं आता। तो केक तो मैं लाई हूँ, लेकिन पार्टी बोलो, कहाँ कहाँ चलना है आपको बताओ, मैं तो आपको कहीं पे भी पार्टी दे दूँ। I'll make a wish silently so that आप सबको पता ना चले कि वो fulfill हुई या नहीं। 1, 2, 3, go। या तो एल्बम। No, it's your birthday. Come on. You have to help me. Come on. बैकग्राउंड थीम म्यूजिक ना, सो दैट आई फील लाइक कुछ तो हो रहा है। But why are you cutting in slow-mo? Priyanka Purit, thank you so much. You're welcome, sir. This is a really good surprise. Thank you and so much. She's a very good co-actor. She's a very good person. And I have had a very good experience working with you. Thank you so much. Thanks. And I've had a very good experience knowing you. Thank you so much. I am getting you a trick right now. You don't want to eat me. No. Look. Huh? Okay. Thank you so much. Once again, a very happy birthday. खाना आज तो खा ही सकता है यार, आज तो मतलब क्या ही है। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? ओह सॉरी, हम लाइव नहीं है। ओके, क्या बोलूँ मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी, और अगर आपको पता था कि मेरा आज बर्थडे है, और इट्स रियली इंटरेस्टिंग यार कि आप लोग शो देखते हैं, और आपको अगर मेरा काम पसंद ही है, इसके फैंस हैं मेरे। हाँ जी, रहते हैं। हाँ, ये मुझे पता है क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे जो भी फैंस हैं हाफ मैरिज के,
So, उन्होंने दी स्पेशली यू हैव फैन क्लब्स लाइक वी लव तरुण करके एंड दे हैड दिस पिक्चर ऑफ योर्स एंड उसमें उन्होंने लिखा था कि सो मेनी डेज टू गो एंड दे हैड अ लॉट ऑफ विशेस आल्सो टू गो सो या आई मीन आई थिंक यू शुड जस्ट रिप्लाई टू देम तो मैं बस खाली इतना कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इतना सपोर्ट दिखाने के लिए और ये केक का बाइट है आपको अब आप कैमरा के थ्रू खा नहीं सकते इसलिए मैं आपके बिहाफ पे खाऊंगा प्रियंका को खिलाऊंगा हम दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है जिनकी वजह से हो रहा है उनको खिलाऊंगा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे लाइफ का हुआ है कैमरा जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं उनको खिलाऊंगा तो थैंक यू सो मच एग्जैक्टली और ये फेरेरो रोशर मैं लेकर जाऊंगा थैंक यू सो मच प्रियंका पहले मैं आपसे जाना चाहूंगी इनका बर्थडे का इतना सा सरप्राइज आपने ऑनसेट दिया लेकिन पर्सनली क्या गिफ्ट करना होगा तो क्या गिफ्ट करेंगे वेल एक्चुअली मैं बोलूँ तो ओके मैंने एक्चुअली कुछ सोचा नहीं है बिकॉज स्पेशली बॉयज के लिए लड़कियों की इतनी सारी चीज़ें होती है कि आप ये दे सकते हो बट नो आई एम आंसरिंग होल्ड ऑन सो मैंने अभी तो कुछ सोचा नहीं है बट येस तरुण के लिए मैं ज़रूर कुछ अच्छा सोचने वाली हूँ बट मेरे लिए ऐसा नहीं है कि बर्थडे है तो तभी के तभी दे दिया आई बिलीव दैट गिविंग द राइट गिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो आज तो मैं सॉरी मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगी बट हाँ मेरे दिमाग में कुछ तो है बट आई एम श्योरली गोना इंप्लीमेंट इट मैं तो इसको ट्रीट कभी भी दे सकता हूँ मेरे को गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है एक ट्रीट देने के लिए आई थिंक आई रियली एंजॉय योर कंपनी सो या मे बी आफ्टर पैक अप आई विल टेक आउट एंड मे बी या विल गो एंड शेयर I guess retro होना चाहिए because मुझे personally एक retro theme party करनी है तो please तरुण retro रखना अगर तुम party देने वाले हो तो अगर मैं रखूँगा theme तो मैं किस तरीके का theme रखूँगा is the question I think you love Batman right Marvel characters नहीं ऐसा नहीं है हाँ actually I do like superheroes मैं वैसे भी रख सकता हूँ but I think मैं Bollywood theme party रखूँगा जिसमें सब दीना दीन दा Bollywood getup is तो normal ना मतलब नहीं नहीं कैसे normal है यार तो इसलिए मैंने बोला Bollywood retro तो रख सकता है Bollywood retro I can plan. It would be a very interesting theme party. Yeah. So tell me which character would you want to play? Which character? Mithunda, disco dancer. Ah. मुझसे मत पूछना मुझे मेरे को नहीं पता. मैंने भी improvise. Best thing for me is to treat somebody with food. It's not that I love cooking, but मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है किसी और के लिए. I think क्योंकि मैं regularly खाना नहीं बनाती. अगर मैं खाना बनाती हूँ, मतलब that person is really special to me. So I would love to make जो तरुण को शायद जो उसका जो favorite food होगा, वो शायद मैं उसे बना के like you know having a candlelight dinner sort of is something that I would love to do. मैं बहुत ही satisfied हूँ यार. किसी भी इंसान को कितनी भी कोई भी कितना भी ambition हो या जो भी हो बॉटम लाइन है खाना अगर खाना अच्छा है तो सब सेट है खाना अच्छा नहीं है तो भाई सब एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ टॉस सो अगर खाना अच्छा ये बना के खिला देगी मेरे बर्थडे पे तो और क्या चाहिए अगर मुझे सुपर पावर मिलेगी तो मैं क्या क्या चीज़ें करना चाहूँगा मैं क्या क्या करना चाहूँगा सिर्फ एक घंटे के लिए दैट्स टू लिमिटेड सबसे पहले तो मेरी विश होगी कि 24 घंटे के लिए वो सुपर पावर हो एक घंटे के लिए ना हो और उसके बाद दूसरी सुपर पावर्स ये होंगी कि गिव मी विंग्स आई वांट टू फ्लाई मैं थक गया हूँ चल चल के तो मैं थोड़ा उड़ना चाहूँगा एग्जैक्टली तो मैं थोड़ा उड़ना चाहूँगा मैं थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहूँगा पंछियों से ईगल से जो भी हैं और क्या कर सकता हूँ मैं रिवेंज कोई होता है ना पीपल whom you don't like and you can just take that revenge and you can just हाँ मिस्टर इंडिया सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो तुम गायब हो जाओ या तो वो तुम्हें देख ही ना पाए एंड बस परेशान करो उनको जो भी लोग हैं ऑन सेट ऑफ सेट जो भी या मे बी आई डोंट नो फॉर फन मतलब ऐसे नहीं फॉर नेगेटिविटी बट या जस्ट फॉर फन थैंक यू सो मच ये बहुत अच्छा लगा तू आरती मत उतार आई फील लाइक एन आर्ट नहीं नहीं मुझे बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा क्या बोलूँ यार इतना अच्छा चॉकलेट लाए exactly, इतने अच्छे लोग हैं एज आई नो तरुण जब बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है उसके पास वर्ड्स नहीं होते हैं ना एग्जैक्टली नो व्हाट ही इज फीलिंग राइट नाउ सो वो कितनी भी कोशिश करेगा थिंग्स आर देयर इनसाइड द फीलिंग वो शब्द अभी तुरंत नहीं निकल पाएंगे सो या इफ तरुण इज नॉट सेइंग एनीथिंग दैट मींस ही इज रियली वेरी हैप्पी सो या आई गेट
तो तरुण फिलहाल बहुत खुश है एंड तरुण सबको धन्यवाद करना चाहेगा जो भी उसके फैंस है टेली रिपोर्टर को कि ये सरप्राइज प्लान किया और वो मुझे सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहेगा. सो था आई मीन आई गेस तरुण इट्स ओके आई मीन यू नो वी आई मीन आई नो आई एम अ वेरी गुड को एक्टर सो यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड को एक्टर तो इतना तो मैं रियली कर सकती. चलो अभी गुड को एक्टर बोल दिया, इतनी तारीफ कर दी इसने इनडायरेक्टली मेरी, तो अभी मैं अग्री कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ. और बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द सीन आल्सो, सो आई वुड जस्ट से क्या नो मेकअप मत बिगाड़. या सही बोल रही है ये लड़की, सही बोल रही है, जो बोले कोई बात नहीं, सही. थैंक यू फॉर कमिंग हियर.